साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना क्या है, कैसे आवेदन करना है, क्या दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, कहां आवेदन करना है, सब्सिडी कैसे मिलेगी, कितनी धनराशि मिलेगी, किन किन चरणों से गुजरकर प्रधानमंत्री सोलर योजना को लगाकर भारत सरकार की सब्सिडी तथा कुछ राज्य सरकारें भी सब्सिडी दे रही है प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से जानकारी आगे वीडियो में दी जा रही है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिनांक 22 जनवरी 2024 को इस नई योजना की घोषणा की, जिसका नाम पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना रखा गया है। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 फरवरी 2024 से शुरू हो चुके हैं। योजना के लिए आवेदन करने हेतु सरकारी वेबसाइट www.pmsuryaghr.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम सूर्या घर योजना का लक्ष्य लोगों के घरों को बिजली बिल कम करने के अलावा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना भी है, ताकि भविष्य में अन्य स्रोतों के माध्यम से बनाई गई बिजली पर निर्भरता में कमी की जा सके। इस योजना से पर्यावरण को फायदा मिलेगा। पीएम सूर्य घर योजना आवश्यक दस्तावेज: निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, बिजली का बिल राशन पत्रिका, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता। पीएम सूर्य घर योजना आवेदन कैसे: पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए अनुसार सावधानी पूर्वक आवेदन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं। सबसे पहले पंजीकरण प्रारंभ करें। अपना राज्य और बिजली वितरण कंपनी चुनें। बिजली ग्राहक संख्या, अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपने मोबाइल नंबर और ग्राहक नंबर के साथ लॉगिन करें और फिर रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करें। आवेदन पूरा होने पर आपकी आईडी में स्टेप वाइज सभी स्टेप दिखाई देंगे। क्रमानुसार उन्हें पूरी करते जाएं। डिस्कॉम से स्वीकृत हो जाने पर आप अपने डिस्कॉम में केवल पंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से योजना स्थापित करें। प्लांट लग जाने के बाद संयंत्र की जानकारी ऑनलाइन जमा करें और नेट मीटर के लिए आवेदन करें। नेट मीटर की स्थापना और डिस्कॉम द्वारा निरीक्षण पूरा होने के बाद आप पोर्टल से अपना कमीशनिंग प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कमीशनिंग रिपोर्ट के बाद अपने बैंक खाते का विवरण और एक रद्द चेक पोर्टल पर जमा करें। अंततः आपको 30 दिनों के भीतर आपकी सब्सिडी आपके बैंक खाते में मिल जाएगी। सारी प्रक्रिया आपकी लॉगिन आईडी में ही होनी है तथा सब्सिडी और प्लांट की फाइनल रिपोर्ट भी इसी के द्वारा की जानी है। ऑनलाइन आवेदन डाकघरों के माध्यम तथा सीएससी से भी की जा सकती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आवासीय परिवारों के लिए सब्सिडी 2 किलोवाट तक 30,000 रुपए प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट तक की अतिरिक्त क्षमता के लिए 18,000 रुपए प्रति किलोवाट, 3 किलोवाट से बड़ी प्रणालियों के लिए कुल सब्सिडी 78,000 रुपए तक सीमित है। घरों के लिए उपयुक्त छत सौर संयंत्र की क्षमता, औसत मासिक बिजली खपत इकाइयां, उपयुक्त छत सौर संयंत्र क्षमता, सब्सिडी सहायता 0 से 150, 1 से 2 किलोवाट 30,000 रुपए से 60,000 रुपए, 150 से 300, 2 से 3 किलोवाट 60,000 रुपए से 78,000 रुपए, 303 किलोवाट से ऊपर 78,000 रुपए। इस प्रकार आपने देखा कि 1 किलोवाट का प्लांट लगाने पर 30,000 सब्सिडी मिलेगी तथा 2 किलोवाट प्लांट लगाने पर 60,000 सब्सिडी मिलेगी तथा 3 किलोवाट या अधिक का प्लांट लगाने पर केवल 78,000 सब्सिडी मिलेगी।
जो कि भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। कुछ राज्य सरकारें भी सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने पर 50,000 रुपए से 55,000 रुपए तक खर्च आता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दिखाई जा रही स्लाइड के अनुसार कार्यवाही की जानी है। यह स्लाइड उत्तराखंड की है, परंतु पूरे देश में इसी स्लाइड के अनुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जानी है। साथियों, मेरे द्वारा 3 किलोवाट का प्लांट इसी विधि द्वारा लगाया गया है। इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वह अपने प्लांट लगाने के अनुभव के आधार पर दी गई है। यदि इस वीडियो पर 2000 लाइक, सब्सक्राइबर, कमेंट्स मिले तो आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया की वीडियो बनाई जा सकती है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।